हेलो गाइस, तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ पोकेमोन गो की इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे आपको पता है, फरवरी 20 को आती है हमारी पोकेमोन गो की एनिवर्सरी, तो उसकी खुशी में पोकेमोन गो हमारे लिए ला रहा है कैंटो इवेंट। और उस कैंटो टूर इवेंट में हमें ये होगा कि आप चाहे तो टिकट भी खरीद सकते हैं। वो 1000 20 या 80 की आती है, तो ये खरीद सकते हैं आप इसको टिकट को। और इस टिकट के अंदर आपको चॉइस आएगी कि आप क्या बोलते हैं, लीफ ग्रीन करोगे या रेड, वो फायर रेड। ये दोनों आपको पता है बहुत मशहूर गेम है, तो इन गेम के लिए आपके लिए आ रहा है। तो इनमें रेड ने, आपको पता ही रेड कौन है, तो उसने जो भी पोकेमोन पकड़े वो आपको मिलेंगे वो फायर रेड वाली टिकट के अंदर। और लीफ ग्रीन वाली टिकट में जो भी ग्रीन ने पोकेमोन पकड़े वो मिलेंगे। तो आप चाहो तो कर सकते हो, टिकट ले सकते हो। और टिकट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो भी आ रहे हैं ना, मतलब जैसे रेड के हो गए हमारे पिकाचू, ये सब शाइनी फॉर्म में मिलेंगे। 150 पोकेमोन पूरे के पूरे शाइनी फॉर्म में, मतलब वैसे नहीं कि हर पोकेमोन शाइनी हो, मतलब अगर आप कुछ इंसेंस विंसेंस लगा के करोगे तो इसके शाइनी मिलने के बहुत चांसेस है। मतलब 50 से भी ज़्यादा चांसेस, 60-70% चांसेस है कि आपको मिल जाएगी एक शाइनी। तो आप कर सकते हो इसको मतलब 1080, वैसे तो कुछ ज़्यादा ही पैसे है, इसलिए मैं तो नहीं करूँगा ये आपको रिकमेंड। मैं तो बिना पैसों के ही कर रहा हूँ इसको। और बिना पैसे, जो पैसे नहीं दे सकते उनके लिए भी अच्छा है। कुछ 12 या 13 शाइनी आ रहे हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। और वो शाइनी आ रहे हैं जो जिनके पास टिकट नहीं है, और उन शाइनी को आप पकड़ सकते हो। स्नोरलैक्स है हमारा शाइनी, और भी दूसरे हैं, तो इनको आप पकड़ सकते हो बिना टिकट के। और वो तो बताइए, 150 पोकेमोन तो मिलेंगे पकड़ के भी। कुछ वो नहीं है कि वैसे कि जब ही मिलेंगे, मतलब 150 आपका लक है कि सारे आ जाए, नहीं तो उनमें से रेड के सारे पोकेमोन तो मिलेंगे ही 150 या ऐसे। अब वो तो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ज़्यादा इंसेंस लगाओगे या कम इंसेंस लगाओगे। तो गाइस, ये आ रहा है हमारा टूर्नामेंट, और ये हमें एक इस टिकट, जो भी टिकट खरीदेगा इसके अंदर, उस टिकट खरीदने पे आपकी स्पेशल रिसर्च ऑन हो जाएगी। और स्पेशल रिसर्च में हमें आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है पोकेमोन गो ने, और वो सरप्राइज़ है कि आपको एक शाइनी म्यू मिलेगा जब आप रिसर्च करोगे। वो रिसर्च के आएंगे आपके लिए इवेंट, उसके अंदर आपको रिसर्च पूरी करनी है सही, तो आपको एक शाइनी म्यू मिलेगा एनकाउंटर में। तो वो शाइनी म्यू आप ले सकते हो अगर वो टिकट खरीदोगे। और एक और बात, रेड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि रेड्स के बारे में कुछ नहीं है, रेड्स में कुछ नया नहीं आ रहा, तो वो है गाइस, रेड्स में हमारे म्यूट्यू और हमारे तीनों जेबडॉस, मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो, ये तीनों लीजेंडरी बर्ड और म्यूट्यू, ये सारे शाइनी फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। और ये वैसे नॉर्मल फॉर्म में भी होंगे रेड में, तो आपका लक है शाइनी होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि म्यूट्यू आ रहा है, मैं भी तैयारी रखूँगा 3-4 रेड पास लेके, और करूँगा म्यूट्यू को पकड़ने की कोशिश करूँगा। लीजेंडरी बर्ड्स तो आती ही रहती है पोकेमोन गो में, अभी गई है जेबडॉस और आर्टिकुनो, और क्या बोलते हैं, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस और जेबडॉस की आई थी, उसकी वीडियो भी डाली थी, मैं डिस्क्रिप्शन और कार्ड में दे दूँगा। और गाइस, इसका है 20 फरवरी से तो है ही हमारा पोकेमोन गो का एनिवर्सरी, और ये सेलिब्रेट होगा हमारा सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी 2021 के, और ख़त्म होगा हमारा उसी दिन के 9 बजे, मतलब 9 AM to 9 PM लोकल टाइम के हिसाब से।
और बहुत अच्छा है, टिकट खरीदो के तो सारे के सारे शाइनी फॉर्म मिलेंगे और शाइनी म्यू का भी है, लेकिन बिना टिकट के भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। और क्या चाहिए, एक शाइनी म्यूट्यू जिसकी लक के अंदर हो, और 10-12 शाइनी पोकेमॉन। और क्या क्या चाहिए तुम्हें? और मैं तो बिना टिकट के ही करूँगा, इतने सारे शाइनी मिल रहे हैं और पोकेमॉन सारे मिल रहे हैं। वो तो आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लक कितना अच्छा है, नहीं तो सारे ही मिलेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना, पीस आउट।